सेलर अमेजोन के सेलर अकाउंट में जो कम्युनिकेशन गाइडलाइन दी गई हैं वो अमेजोन उनको हाईली रिकमेंड करता है, और उसकी वायलेशन पे वो सेलर अकाउंट के ज़रिए से जो सेलिंग प्रिविलेजेस है उनको वो सस्पेंड कर सकता है या आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। कम्युनिकेशन गाइडलाइन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो ये हैं कि एज ए पार्ट ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन स्टोर सेलर कम्युनिकेट विद बायर बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अमेजोन रिक्वायर दैट द सेलर फॉलो द गाइडलाइन बिलो फॉर एनी कम्युनिकेशन विद बायर्स। कम्युनिकेशन गाइडलाइन पॉलिसी इज मेड टू प्रोटेक्ट बायर फ्रॉम फ्रॉड अब्यूज एंड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अनस्क्रूपुलस एक्शन फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। रेजिंग द बार ऑफ ऑल कम्युनिकेशन टू बायर बेनिफिट ऑल ऑफ योर सेल पार्टनर रिजल्टिंग इन ए स्ट्रॉन्ग मार्केट प्लेस। तो ये जो गाइडलाइन है वो आपको जो इसलिए ज़रूरी है ये समझाना कि ये ना सिर्फ के जो आपके बायर्स हैं उनको फ्रॉड और किसी किस्म के अब्यूज़ से बचाएगा, बल्कि जो कंपेटिटर आपके खिलाफ कोई अनस्क्रूपुलस एक्शन लेंगे, अनलॉफुल बायस एक्शन लेंगे, वो भी आपको सेव करेगा। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑर्डर स्टेटस मैसेज। प्रॉब्लम विद ऑर्डर मैसेज, यू मस्ट कम्युनिकेट विद बायर इफ़ द प्रोडक्ट ऑर्डर इज़ नॉट अवेलेबल टू बी शिप्ड। अगर तो आपकी प्रोडक्ट अभी शिप होनी है और अभी शिप नहीं हुई तो आपको ये प्रॉम्प्टली अपने बायर को ये समझाना ज़रूरी है। फर्स्टली एडजस्ट द फुल ऑर्डर अमाउंट यूजिंग मैनेज ऑर्डर्स इन सेलर सेंट्रल अवेया एडजस्ट ऑर्डर एडजस्टमेंट फी। यू मस्ट यूज नो इन्वेंट्री और कुड नॉट शिप एज अ रीजन कोड फॉर एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। तो ये उस अमेज़ोन ने सिंपली ब्रीफली बहुत ज़रूरी जो टू पॉइंट्स हैं वो नोट करवाए हैं कि आपने जो अपने कोड में यूज़ करने हैं उसको अपने मैसेज के दौरान ऑर्डर एडजस्टमेंट में वो नो इन्वेंट्री यूज़ करना है या कुड नॉट शिप के कोड को यूज़ करना है। सेकंडली फॉलो दिस डायरेक्शन एंड सेलेक्ट प्रोग्राम विद ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद बायर अबाउट योर इनएबिलिटी टू फुलफिल द ऑर्डर। अगर आप अपना ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाते तो ये अपने मैसेज में क्लियरली कम्युनिकेट करें। दिस मैसेज मस्ट कंटेन ए कन्फर्मेशन दैट द ऑर्डर अमाउंट वाज एडजस्टेड विद द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम। तो ये अगर आपकी कोई आपने एडजस्टमेंट के दौरान आइटम अवेलेबल नहीं है तो अपने मैसेज को क्लियरली उसको कम्युनिकेट कीजिए। इफ़ यू थिंक यू कैन फुलफिल द ऑर्डर बट द शिप मेंट विल बी डिलेड बियॉन्ड द एडवर्टाइज अवेलेबिलिटी, और अगर आप कर सकते हैं उनको शिप लेकिन कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से शिपमेंट डिले हो सकती है, तो आप अपने बायर को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। यू मस्ट नोटिफाई द बायर अबाउट डिले। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बायर को डिले के बारे में बता दें ऑलरेडी। इफ़ द बायर डिसाइड टू कैंसिल ऑर्डर यू शुड देन स्टार्ट द रिफंड प्रोसेस। अगर वो आपसे एग्री नहीं करता डिले के बारे में तो फिर आप अपनी जो अमाउंट उसको बाहर से आई अमाउंट उसको रिफंड के प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए। बड़ा पॉइंट अमेजोन ने नोट दिया है कि डू नॉट कॉन्टेक्ट बायर एंड रिक्वेस्ट दैट दे सबमिट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट व्हेन यू आर आउट ऑफ स्टॉक। इस पॉलिसी को वो अमेजोन अपने प्रोफेशनल सेलिंग कोड के खिलाफ करार देता है कि आपने ऐसा कोई कॉन्टेक्ट करके तो उसको ये नहीं कहना कि वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इनिशिएट करें। रिटर्न रिलेटेड मैसेज, यू मस्ट प्रोसेस रिफंड फॉर ऑर्डर अमाउंट माइनस एनी चार्जेस यूजिंग आइदर मैनेज ऑर्डर इन द सेलर सेंटर और वी आर द ऑर्डर एडजस्टमेंट फी। यू मे कम्युनिकेट विद बायर अबाउट द रिटर्न ओनली व्हेन यू नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कम्प्लीट द रिटर्न और यू आर ऑफरिंग ए पार्शल रिफंड। फॉलो दीज डायरेक्शन एंड सेलेक्ट फॉलो अप ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने कोई उनके आई हुई अमाउंट में से कोई चार्जेस डिडक्ट किए हैं तो आप उसको क्लियरली बता दें कि किस वजह से आपने उनके चार्जेस डिडक्ट किए हैं, और बाकी जो रिफंड पॉलिसी है उसको आपने उनको जो सिस्टम दिया हुआ है ऑर्डर एडजस्टमेंट फी उसके ज़रिए से उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर दें। बायर सेलर मैसेजेस बड़ा ज़रूरी पार्ट है, इसको समझना। यू मे ओनली सेंड परमिटेड मैसेज टू कस्टमर्स हु हैव कॉन्टेक्टेड यू अबाउट परचेजिंग ए प्रोडक्ट आर हु हैव ऑलरेडी परचेज प्रोडक्ट फ्राम यू ऑन अमेजोन स्टोर। वी डिफाइन एज दोज
communication necessary to complete an order or to respond to a customer service inquiry. तो जो permitted messages को define Amazon ने किया हुआ है कि ये जब आपने कोई Amazon पे चीज़ सेल कर दी हो और वो कस्टमर को बायर को पहुंच गई हो, तो आपने उनको जो मैसेज कम्युनिकेट करने हैं वो परमिटेड मैसेजेस हैं, वो सर्विस के बारे में हो सकते हैं, वो किसी भी दीगर उसी प्रोडक्ट के हवाले से कम्युनिकेशन हो सकती है। प्रोएक्टिव परमिटेड मैसेज आर दोज मैसेज डैट यू आर इनिशिएट एंड आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू द बायर क्वेश्चन। तो कोई बायर आप क्वेश्चन तो करता नहीं है, लेकिन कोई ऐसे मैसेज हैं जो आपकी तरफ से जा रहे हैं, तो प्रोएक्टिव मैसेज की डेफिनेशन में आते हैं वो। प्रोएक्टिव परमिटेड मैसेज कैन बी सेंड वी आर मेल यूजिंग अमेजोन टेम्पलेट्स वी आर द कंटेक्ट बाय आर रिक्वेस्ट रिव्यू पेज इन सेलर सेंट्रल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन द एप्लीकेशन स्टोर आ विया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API। यू मे सेंड प्रोएक्टिव परमिटेड मैसेज टू द फॉलोइंग रीजन। अब रीजन दी हुई है कि आप किन रीजन में प्रोएक्टिव परमिटेड मैसेज सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके बारे में तो बाहर आपसे पूछता ही नहीं है, तो कुछ रीजन दी हुई हैं कि आप उनके उनके हवाले से अपने कस्टमर को आगाह करें, तो रीज़न क्या हो सकती हैं। रिजॉल्विंग एन इशू विद द ऑर्डर फुलफिलमेंट, रिक्वेस्टिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑर्डर, आस्किंग ए रिटर्न रिलेटेड क्वेश्चन, सेंडिंग एन इनवॉइस, रिक्वेस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर फीडबैक और बोथ, शेड्यूलिंग द डिलीवरी ऑफ अ हैवी और बल्क आइटम, शेड्यूलिंग ए होम सर्विस अपॉइंटमेंट, वेरीफाइंग ए कस्टम डिज़ाइन or any other reason whether where the contact is required for buyer to receive their purchase. Proactive permitted message must be sent within 30 delays of order completion. बहुत ज़रूरी है समझना कि रीज़न ऊपर दी गई हैं, और ये भी ज़रूरी है कि आपने जो प्रोएक्टिव परमिटेड मैसेज है वो 30 डेज ऑर्डर के कम्प्लीट होने के 30 डेज के अंदर देनी है आपने। इन ऑल प्रोएक्टिव मैसेजेस मस्ट इंक्लूड 7-digit ऑर्डर ID। तो कोई जो ऑर्डर ID इनिशिएट हुई होगी, जनरेट हुई होगी, या जब आपने ऑर्डर प्लेस किया या वो शिपमेंट मुकम्मल हुई तो एक जनरेट हुई होती है ID, वो उसके हवाले से वो इंक्लूड होना चाहिए। एंड बी इन द बायर लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस, और वो बायर की लैंग्वेज में देना चाहिए। अगर वो बायर की लैंग्वेज फ्रेंच है तो आप इंग्लिश में उसको मैसेज सेंड नहीं कर सकते, अगर वो इंग्लिश है तो उसको आप हिंदी में मैसेज सेंड नहीं कर सकते, अगर इंग्लिश में है तो आप उर्दू में मैसेज सेंड नहीं कर सकते। सेंडिंग प्रोएक्टिव परमिटेड मैसेज टू योर बायर यूजिंग अमेज़न टेम्पलेट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अब या API ऑटोमेट्स द इंक्लूजन ऑफ ऑर्डर ID, लैंग्वेज ऑफ द प्रेफरेंस ट्रांसलेशन एंड क्रिटिकल मैसेज गाइडलाइंस। तो इन गाइडलाइन को भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। परमिटेड मैसेजेस डू नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग मैसेज टाइप। तो परमिटेड मैसेजेस में जो चीज़ें शामिल नहीं होती वो नीचे दी गई हैं, और काफ़ी सारे केसेस में तो कस्टमर जो है वो सेलर के बिहाफ पे बायर को मैसेज कन्वे कर देता है। अब क्या चीज़ें शामिल नहीं होती, ऑर्डर और शिपिंग कंफर्मेशन रेफर टू द इंटर कम्युनिकेशन सेक्शन ब्लॉक, मैसेज दैट से ओनली थैंक यू एंड दैट यू आर हेयर टू हेल्प इफ द बायर है प्रॉब्लम, मार्केटिंग और प्रमोशनल मैसेजिंग इंक्लूडिंग ओपन लैंग्वेज दैट आइदर इंसेंटिव आर परसुएड द बायर टू सबमिट पॉजिटिव प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर फीडबैक इंक्लूडिंग बाई ऑफरिंग कंपनसेशन मनी गिफ्ट कार्ड फी फ्री ऑफ डिस्काउंट प्रोडक्ट रिफंड डिबेट और रीइंबर्समेंट और फ्यूचर बेनिफिट्स लैंग्वेज डायर रिक्वेस्ट रिमूवल आर एन अपडेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू लैंग्वेज दैट रिक्वेस्ट ए प्रोडक्ट रिव्यू इफ दे हैव हैड अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट आर रिपीट रिक्वेस्ट पर ऑर्डर फॉर एन प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर फीडबैक। तो ये वाली जो आइटम्स यहाँ दी हुई हैं, ये वाली जो प्रोविजन्स दी हुई हैं, ये परमिटेड मैसेज में शामिल नहीं होती, इसके बारे में बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। और जो परमिटेड मैसेज में शामिल चीज़ें हो नहीं सकती वो क्या हैं, परमिटेड मैसेज में नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल लिंक यू अनलेस दे आर सिक्योर वर्किंग लिंक्स HTTPS नॉट HTTPS HTTPS सिक्योर सिस्टम होना चाहिए अगर ज़रूरी है तो नेसेसरी फॉर ऑर्डर कंप्लीशन आर लिंक्स टू Amazon। तो अगर कोई आपने रेफर करे ऐसा लिंक तो वो HTTPS लिंक होना चाहिए, वो भी जहाँ ज़रूरत हो। अटैचमेंट एक्सेप्ट फॉर दोज नीडेड टू रिजॉल्व बाय
For example, shipping label invoices and custom design. Logos if the container display a link to your website. तो ये शामिल नहीं होना चाहिए. Link to upload of messaging. जो message है spamming के point of view से marketing से messaging वो link नहीं होना चाहिए. Sensitive content in image or text. For example, bare skin, violent gore, adult or offensive language. Tracking pixel or images. Email addresses. Telephone number except those related to warranties, shipping privilege. Providers, shipping provider are manufacturers. Image of purchase product as Amazon include those on your behalf. Image that do not relate to your brand and company. तो ये वाले जो provisions हैं, ये वाले जो चीज़ें, ये वाली आपके message में शामिल नहीं हो सकती. ये guideline Amazon ने दी हुई है कि ये चीज़ें शामिल होंगी तो वो आपके मैसेज ब्लॉक कर सकती है, आपकी जो सेलर अकाउंट की प्रिविलेज है उसको वो सस्पेंड कर सकती है. ये गाइडलाइन को, इस पॉलिसी को देखना बड़ा ज़रूरी है, इसको फॉलो करना. परमिटेड मैसेज स्टाइलिंग मे नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग. और ये स्टाइलिंग होना चाहिए, अगर मैसेज कर रहे हैं तो इस किस्म का स्टाइल जो है, या इस किस्म की जो अननेसेसरी आइटम चीज़ें हैं वो उस मैसेज में शामिल नहीं होनी चाहिए. एक्सेसिबिलिटी इशू फ्राम लिंक विद एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, क्लिक हेयर टू वारंटी इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए, ना हो सकता. और इमेज ग्राफिक विद ऑल्ट टेक्स्ट. इमोजीज इंक्लूडिंग इमोशंस, इमोटिकॉन्स, ये नहीं होने चाहिए. एनिमेटेड गिफ्ट्स. मैसेज मार्जिन ओवर 20% मैक्सिमम विड्थ, इसके स्टाइल को डिस्करेज करता है Amazon. इमेज आर ग्राफिक साइज लार्जर देन 80% मैक्सिमम विड्थ, इसके इमेज को जो 80% मैक्सिमम विड्थ से ज़्यादा हो उसको भी वो डिस्करेज करता है. ओवर राइड द Amazon डिफॉल्ट लाइन हाइट, फॉन्ट लाइन एंड फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट कलर, इसको भी वो डिस्करेज करता है. फॉन्ट इन मोर देन 3 साइज. अब आप फॉन्ट को किसी 3 साइज में इस्तेमाल किया हो अपने मैसेज में तो वो डिस्कर्ज करता है. मैसेज बॉडी दैट आर सेंटर्ड आर दैट अदरवाइज ओवरराइड डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट सेटिंग, तो इस प्रोविजन को भी Amazon डिस्कर्ज करता है. मोर देन 2 लिंक्स ब्रेक स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स इन आर ओ, ये भी डिस्कर्ज करता है. अनसिक्योर इमेज HTTP इंस्टेड ऑफ HTTPS, तो अनसिक्योर अगर कहीं ज़रूरी है आपने कोई लिंक देना तो वो सिक्योर लिंक को प्रेफर करेगा और अनसिक्योर लिंक को वो डिस्कर्ज करता है. एग्रीगेस ये स्पेलिंग एरर और ग्रामर इशू, तो ऐसे लातदाद ग्रामर की प्रॉब्लम हो और स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो तो उसको Amazon डिस्कर्ज करता है. इफ़ यू हैव क्वेश्चन अबाउट आवर पॉलिसी रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद द बायर, कॉन्टैक्ट सेलिंग पार्टनर सपोर्ट. तो आप वहाँ पे कोई इशू है, आपको मजीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं. Amazon मे मॉडिफाई मैसेज सब्जेक्ट लाइन आर ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बाय एक्सपीरियंस इन आवर स्टोर, तो आपके मैसेज को Amazon मॉडिफाई भी कर सकता है, ये उसको राइट है. और आपकी ये चूँकि प्रिविलेज है सेलिंग की, तो ये उसको सब्जेक्ट टू द मॉडिफाइंग ऑफ द मैसेज यूज करेगा. इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, Amazon communicates order related information to buyers through your account updates. These updates include information such as when an order has been shipped with the tracking number and when a refund has been processed. These updates are based in shipping confirmation and refund initiated using message manage order are the following field. In direct message ki communication mein wo in अकाउंट की अपडेट के, आपको अकाउंट अपडेट के बारे में गाइडलाइन दे रहा है. और अगर कोई अमाउंट का रिफंड इनिशिएट हुआ है तो वो प्रेफर करता है कि मैनेज ऑर्डर के हवाले से इसको इनिशिएट किया जाए. शिप कंफर्मेशन फीड, दिस फीड टेल्स Amazon दैट यू हैव शिप बायर ऑर्डर एंड प्रोवाइड ऑर्डर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द बायर. टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर स्टेटस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाई क्वालिटी शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर द Amazon बायर. तो आपने अगर कोई चीज़ आइटम शिप कर दी है और उसके बारे में आपने उसको अपने बायर को कम्युनिकेट कर देना है कि आपने उसको शिप कर दिया और आपने आप उसको जो आईडी है
टेकिंग आईडी आपने अपने बायर को दे देनी है, क्यों वो ये इंथाई मैंडेटरी है और इसको अमेजोन समझता है कि ये हाई क्वालिटी शिपिंग एक्सपीरियंस है उन बायर्स के लिए जो अमेजोन से बाय करते हैं। अमेजोन के लिए सेलर से ज़्यादा उनके बायर इम्पॉर्टेंट है, वो उनको बहुत वैल्यू करता है अमेजोन। अमेजोन अपने बायर्स को अपना ट्रेजर समझता है, ठीक है, वो उनको अपने जो है एसेट समझता है, असासे समझता है, वो उनके लिए इंतहाई कंसर्न है। तो नोट दिया हुआ है, वी रिक्वायर यू टू प्रॉम्प्टली कंफर्म शिपमेंट फॉर ऑल ऑर्डर आइदर बाय मेकिंग मैनेज ऑर्डर आर बाय अपलोडिंग ए शिप कंफर्मेशन फील्ड। आफ्टर यू कंफर्म शिपमेंट अमेजोन सेंड ए कंफर्मेशन ईमेल टू बायर। तो अमेजोन जो है वो चूंकि इंतहाई कंसर्न है अपने बायर के साथ, तो वो उनको कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करेगा जो ही उसकी शिपमेंट इनिशिएट होती है। ऑर्डर एडजस्टमेंट फील्ड, दिस फील्ड टेल्स अमेज़न दैट यू हैव इशू बायर रिफंड्स। बायर वांट टू नो अबाउट देयर रिफंड स्टेटस एंड रिटर्निंग प्रोडक्ट्स, व्हेन रिटर्निंग प्रोडक्ट्स। देयरफॉर इट इज क्रिटिकल दैट यू प्रोसेस रिफंड प्रॉम्प्टली। यू कैन ऑल्सो यूज मैनेज रिटर्न टू इशू ए रिफंड। तो अमेज़न इसके बारे में ऑलरेडी हम चूंकि डिस्कस कर चुके हैं, अमेज़न के लिए बायर उसका जो है वो बहुत कीमती एहसास है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उसकी वो वैल्यू देता है। तो उसको आपने हर सूरत की जब कोई आपकी प्रोडक्ट वो रिटर्न करता है तो उसको आपने रिफंड इनिशिएट करना है और रिफ़ंड करना है और उस रिफंड के बारे में उसको प्रॉपरली आगाह करना है और उसको प्रॉम्प्टली उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो फेलियर टू कम्प्लाई दिस कम्युनिकेशन गाइडलाइन में रिजल्ट इन अमेज़न लिमिटेड फॉर एक्टिव परमिटेड मैसेज। अगर इसमें आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप फेल हो जाते हैं तो आप अमेज़न आपके परमिटेड मैसेजेस की जो सहूलत है उसको लिमिट कर देगा, या फिर वो आपके टेम्पलेट सस्पेंशन ऑफ सेलिंग प्रिविलेज इन अमेज़न स्टोर, और या फिर वो आपकी जो प्रिविलेज है जो सेलर अकाउंट है उसको सस्पेंड कर देता है। ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है इस हवाले से, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है एक सेलर के लिए कि अगर उसका कोई अमेज़न का सेलर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अमेज़न हैज़ अथॉरिटी टू ब्लॉक एनी मैसेज एट इट्स डिस्क्रिशन। तो अमेज़न ये भी अथॉरिटी रखता है कि वो अपने इसमें किसी भी मैसेज को जो आपने इनिशिएट किया हो, आपकी तरफ से कम्युनिकेट किया गया हो, उसको वो ब्लॉक भी कर सकता है। तो ये कम्युनिकेशन गाइडलाइंस हैं जो अमेज़न ने दी हुई हैं, इनको जानना इंतहाई ज़रूरी है कि एक सेलर अकाउंट के ऊपर जब एक सेलर अकाउंट एक्टिव हो जाए और वो अपने बायर्स को शिपमेंट देना शुरू कर दे और वो एक सेलर के लिए इंतहाई काबिल अहमियत अकाउंट बन जाए और फिर वो कम्युनिकेशन के पार्ट पे कोई गलती कर बैठे और फिर उसको कोई अकाउंट की सस्पेंशन का मसला सामने हो, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो चूँकि अमेज़न अपील का प्रोसेस रखता नहीं है, वो अपील को समझते ही ना अपील को एंटरटेन करता है, तो वो आपका जो है अकाउंट वो सस्पेंड कर सकता है महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, वो एक पनिशमेंट के तौर पर देखना पड़ेगा। अगर इसकी ग्रेव मिस्टेक्स आती हैं इसके ज़्यादा तो वो अकाउंट को टर्मिनेट भी कर देते हैं, और टर्मिनेट के भी एक्शन पे अमेज़न को कोई एपलेट फोरम नहीं दिया, वो उसकी कोई भी अपील को एंटरटेन नहीं करता। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।